सर दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करते हैं कि लीनियर ग्रेडियंट क्या होता है और रेशियल ग्रेडियंट क्या होता है। तो हम देखते हैं इसमें कैसे यूज करते हैं सीएसएस में। तो देखते हैं इसमें कैसे करते हैं। वो चलते हैं, अपना इमेज चालू कर लेते हैं और यहाँ पर हम डाल देते हैं ग्रेडियंट। एक हम डिव ले लेते हैं आईडी दे देते हैं इसका ग्रेडियंट। डिव 1 और इसमें हम अपना ग्रेडियंट यूज कर देते हैं। कैसे यूज करते हैं तो सबसे पहले सिंटेक्स को देखते हैं कैसे। हम तो इसका हम डिव ले लेते हैं और यहां पर हम इसका यूज करते हैं अपना एक्सटर्नल सीएसएस पे। इंटरनल सीएसएस, तो इंटरनल सीएसएस में हम यूज करते हैं इसका स्टाइल। और इसमें हम दे देते देखते हैं क्या बैकग्राउंड। बैक ग्राउंड मिनट। बैकग्राउंड इसका हम बैकग्राउंड कर देते हैं क्या। बैकग्राउंड बैकग्राउंड इमेज इसका हम बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड इमेज लीनियर ग्रेडियंट ब्लू कामा रेड कामा पिंक सेव करते हैं इसका। हाइट दे देते हैं हाइट विथ का 2 मिनट 100 पिक्सल। विथ दे देते हैं इसका 100 पिक्सल और ये देखिए हमारा शो होने लगा। इसमें हम इसका क्या कहते हैं इसका हम बढ़ा देते हैं 500।
ये देखिए हमारा शो होने लगा, हमने दे रखा क्या क्या, रेड देख रहा और ब्लू दे रखा। अगर हम पिंक इसमें करें तो पिंक भी हमारा शो होने लगेगा। ये देखिए यहाँ पर पिंक, ये रेड में है, पहले ब्लू में है, फिर रेड में है, फिर पिंक में। अगर हम पिंक यहाँ पर इसका हम कलर है येल्लो कर दें, तब देखना अभी और अच्छा से समझ आने लगेगा। ये देखिए हमारे पहले ब्लू में है, रेड में है, येलो में। तो हम ग्रेडियंट में और भी देखते हैं। तो अब देखते हैं इसमें थोड़ा सा लेफ्ट राइट ग्रेडियंट कैसे यूज करते हैं। तो हम इसमें देखते हैं लेफ्ट राइट कामा कर देते हैं इसमें। लेफ्ट राइट ग्रेडियंट तो हम इसमें अगर टू टू राइट अगर लिख देते हैं तो ये हमारा टू राइट में दिखेगा दिखेगा। एक्सक्यूज मी कामा, थोड़ी यहाँ कामा हमने नहीं लगाया था। ये देखिएगा हमारा ये रेड में हो गया। यहाँ पर देखिए तो राइट में हाँ, अगर इसको हम कम कर दें यहाँ पर देखिएगा, ये देखो हम इसको हटा दें इसको, तब और अच्छे से दिखेगा। ये देखो हमारा ये राइट राइट में हो गया येलो हमारा। अगर इस पे हम टू लेफ्ट कर दें ये देखिएगा हमारा ये जो ये वाला था पीला का वो हमारे लेफ्ट में आ गया, या राइट में, लेफ्ट में आ गया और ये राइट में चला गया। और अगर हम और भी देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी और क्या क्या प्रॉपर्टी है रेडिया लीनियर ग्रेडियंट। अब हम इसके जुड़ते एंगल में एंगल यूज करते हैं, हम इसमें एंगल यूज करते हैं तो लीनियर ग्रेडियंट एंगल यहाँ पर डालते हैं लीनियर ली नियर ग्रेडियंट एंगल। तो हम अगर एंगल यूज करते हैं, एंगल यूज करने के लिए हमें एंगल में डिग्रियां देने होते हैं, कितने डिग्री हम इसको यूज करें। तो इसको देख लीजिए हम, तो हम अगर इसको हम 350 डिग्री तो देखना क्या होता है। ये देखिएगा 350 डिग्री ये देखिए। अभी हम अगर इंस्पेक्ट करें तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिएगा यहाँ पर डिब को ये देखो दिख रहा है,
अपने इसका लाइट तेज कर देते हैं तो और अच्छे से ये देखिए। अब ऐसे ही हम मतलब मैं डिग्री यूज कर सकते हैं इसमें। और इसमें हम क्या इसका यूज करें और क्या बताएं, तो और देख लेते हैं इसमें हम अब इसमें हम ट्रांसपेरेंसी देखते हैं कैसे यूज करते हैं लीडिया ग्रेड में ट्रांसपेरेंसी। यहाँ कमेंट सॉरी एक यहाँ और कमेंट डाल देते हैं ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए हम आरजीबी यूज करते हैं। आरजीबी तो पता ही होगा मतलब कहते हैं आरजीबी यूज करते हैं। तो इसमें हम ट्रांसपेरेंसी के लिए हम इसमें यूज करते हैं आरजीबी। और इसको हम यहाँ पर इसको हटा देते हैं इतना, तो हम लिखते हैं RGBA अंडर रूट γ25 γ10। एक आरजीबी और यूज कर देते हैं यहां पर RGB ब्रैकेट, तो इसमें हम 10 γ28 γ8। हाँ कोई वैल्यू नहीं है सेवन। यहाँ पर वैल्यू दे देते 255 1 1 5 5। ये देखिए इसको देखते हैं, ये देखिए हमारा ट्रांसपेरेंसी यूज हो गया। यूजिंग लीनियर ट्रांसपेरेंसी यानी हम जो ट्रांसपेरेंसी मतलब इसको दिखा देंगे कि इसका ये देखिए हम ऊपर का, अगर हम इसको और थोड़ा ट्रांसपेरेंसी में इसका और हम हल्का कर दें देखते हैं। ये देखिए ये एकदम ट्रांसपेरेंस की तरह दिख रहा है आपको वहां से, मतलब सही से नहीं दिख रहा होगा क्योंकि हम हमारे इसमें दिख रहा है। और हम इसमें देख लेते हैं मल्टी कलर, हमने भी बता दिया यही जो हमारा एक ही में हो जाता है, एक ही में हम दो यूज कर लेते हैं डुप्लीकेट करके शॉर्टकट यूज हो जा भाई। मिनट सेटिंग भी कर लेते हैं इसका, चलिए हम बाद में अपना कर लेंगे। और हम देख लेते हैं
लीनियर ग्रेडियंट पर हिंट देखते हैं, हिंट तो इसमें हम देखते हैं, आप देखते हैं हिंट। हिंट तो हम अगर हिंट से यूज करना है तो हम इसको यहाँ पर हम आरजीबी जो हम यूज कर रहे हैं इसको हटा देते हैं, इसको हटा देना पड़ेगा और यहाँ पर हम ब्लू लिख दे देंगे और कामा, और आरजीबी वो क्या कहते हैं, हिंट यूज करने के लिए हमें परसेंटेज यूज करना पड़ेगा, क्या परसेंटेज, और परसेंटेज और इसका हम कोई भी रह कहते हैं येल्लो। देखिए सेव हो गया है, अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखिए आरजीबी, इसे को हम बोलते हैं हिंट, हिंट, और क्योंकि हिंट में हमें अपना क्या कहते हैं परसेंटेज यूज कर, परसेंटेज लेंथ और क्या क्या कहते हैं, और बस इतना ही है शायद, है परसेंटेज और लेंथ। हम अगर लेंथ यूज करें तो लेंथ हो गया हमारा 2-3 लेंथ। इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे, और भी हम